मेरे साथ बहुत सीनियर यहां पर डिप्लोमेट एम्बेसडर आरपी कौशिक सर हैं। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव में जो हालात हैं वो बहुत अलग तरीके से तब्दील होंगे? इसके बाद मैं अशोक सर के पास आ रहा हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मामला कोर्ट तक जा सकता है? मैं बहुत एग्जैजरेटेड सवाल पूछ रहा हूं। मुझे दोनों ही तरफ से लग रहा है कि जहां तरीके से ये नेक टू नेक फाइट चल रही है इनकी आपस में, और थोड़ा कंफ्यूजन भी है इसके अंदर कि कौन सी स्टेट के बैलेट पेपर्स काउंट हो गए, किसी स्टेट के शायद नहीं हुए हैं और कब होंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बात कही जा चुकी है हर एक स्टेट के अपने रूल्स हैं, हर एक स्टेट के अपने लॉज हैं, और उनके बेसिस पर, उन्हीं के आधार पर वो उस तरीके के अपने इलेक्शन के रिजल्ट जाहिर करते हैं। अभी कुछ स्टेट्स के अंदर ये कन्फ्यूजन है, और अगर पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर ये कन्फ्यूजन प्रिवेल करता रहा तो ट्रंप साहब ज़रूर ये क्लेम करेंगे, क्योंकि पेंसिल्वेनिया की एक स्टेट है जहाँ पर काफ़ी ब्लू लेवल वर्कर्स भी काफ़ी काम करते हैं, तो वहाँ पर ये उम्मीद है कि हो सकता है कि उनको काफ़ी बढ़त बढ़े। साथ में कई स्टेट ऐसी आई हैं हमारे सामने जिसमें जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर भी जो है ट्रंप साहब की लीड है, जो कि एक अनयूजुअल ट्रेंड है, क्योंकि वो लगता ऐसा था जैसे डेमोक्रेट्स का वो पूरा वहाँ पर पूरा अच्छा खासा वो है, लेकिन अब पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सका। हो सकता है कि इलेक्शन लंबा चले। एक ही अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर 1876 में, मैं एक बात बता दूं, मैं अमेरिकन हिस्ट्री का प्रोफेसर ज़्यादा रहा हूँ, एम्बेसडर कम रहा हूँ, जो अक्सर लोग कभी कन्फ्यूज कर देते हैं कि मैं एम्बेसडर थोड़े समय के लिए था, मैं ज़्यादातर प्रोफेसर JNU में रहा हूँ। तो 1876 में एक दफ़ा इलेक्शन के अंदर डिस्प्यूट हुआ था, हेज एंड टिल्डन इलेक्शन कहलाता है वो, वहाँ पे दोनों की बराबर वोट आई थी, तो उसको कांग्रेस ने डिसाइड किया एक वोट से उनको जीत करके हेज सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, प्रेसिडेंट जेफरसन के टाइम पे भी 1800 में भी देयर वाज अ टाई, या तो ये नहीं, वो दूसरा किस्म का था, वो क्या था सर, क्योंकि अगर उस मैं वो चाहता नहीं कोर्ट में जाएगा, लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रेसिडेंट जेफरसन के टाइम पे 1800 में देयर वाज अ टाई इन इलेक्टोरल वोट्स, लेकिन तब इलेक्टोरल वोट्स बहुत कम हुआ करते थे, तब बहुत कम थे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट मर्ज नहीं हुई थी यूनियन के साथ, यूनियन के साथ स्टेट जो बाद में आई है 1840 के बाद खासतौर से, जब टेक्सास के साथ झगड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जब बहुत मैक्सिको के साथ झगड़ा हुआ तब चली हैं, काफ़ी स्टेट्स मर्ज कर चुकी थी। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि ये दोनों मसले, दो ऑप्शंस हैं, या तो कांग्रेस डिसाइड करे जॉइंट सेटिंग में बैठ करके, या चूंकि कांग्रेस का भी चल रहा है, बहुत ही एग्जैजरेटेड सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप अमेरिका की हिस्ट्री के अच्छे जानकार हैं, और ये मेरा सवाल बहुत एग्जैजरेटेड है, आज कोई टीवी चैनल पे ये पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं, नैंसी पेलोसी अगर टाई रहता है और कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता है, तो क्या वो बन सकती है प्रेसिडेंट? मैं एक बहुत ही हास्यास्पद सवाल पूछ रहा हूं, आई नो इट्स हिलेरियस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसा, ये तो जब होगा ना, जबकि प्रेसिडेंट एक्टिंग अगर चला जाता है किसी वजह से, डिसअपियर कर जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, इफ वाइस प्रेसिडेंट डजंट, देन आफ्टर दैट द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टेक्स ओवर। सर, जितना मैंने पढ़ा है कि अगर देयर इज अ टाई, लेकिन यहां तो इलेक्शन है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों डिसाइड नहीं कर पाते, देन द स्पीकर बिकम्स अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दैट्स ट्रू। इसीलिए मैंने नैंसी पेलोसी का नाम लिया। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टेक्स ओवर। ओके, अंडरस्टूड, गॉट योर पॉइंट। यस, यू आर राइट, आई स्टैंड करेक्टेड, टेक्स ओवर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।